नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एआर न्यूज इंडिया में और मैं ज्योति। बिहार चुनाव के तीसरे चरण मतदान के लिए प्रचार करने के दौरान कल जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, जिसके बाद से बिहार की सियासी राजनीति में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार का ये बयान सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो चुका है कि इसको लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि वो अब थक चुके हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से इस हकीकत को वो जमीन से जुड़े नहीं, पहचान नहीं पाए। और जब उनको एहसास हुआ, जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तो उन्होंने घोषणा कर दी। आखिरकार उन्होंने अंतिम चरणों से पहले हार मानकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर हमारी बात पर मुहर लगा दी। नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है कि नीतीश बाबू ने तो तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता जेडीयू बीजेपी की हार स्वीकार कर ली। अगर बात करें बीजेपी की, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आ रही थी, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच खटास भी देखी गई। वहीं चिराग पासवान ने फिर नीतीश के खिलाफ बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि साहब ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं, अपना अधिकार उनको ना दे जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे, अगले चुनाव में ना हिसाब रहेगा ना जेडीयू, फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग। इस तरह से विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस हिसाब से उनका बिहार में विरोध हो रहा था, क्या उस हिसाब से नीतीश कुमार सच में मानसिक रूप से थक चुके हैं या फिर अपने आखिरी प्रचार में नीतीश इमोशनल कार्ड का खेल खेल रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए एआर न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।